रुड़की पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस के द्वारा एक्सिस बैंक के एटीएम के बाहर हुई 25 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने शातिर अपराधी दीपक और बिल्ला को पंजाब के लुधियाना से 2.5 लाख रुपए की नकदी सहित गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले रुड़की पुलिस ने घटना में शामिल मास्टरमाइंड मोनी उर्फ सुखविंदर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। घटना के बाद से ही आरोपी बिल्ला फरार था। पुलिस के द्वारा सर्विलांस की मदद से बिल्ला को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर बाकी लूट की रकम का पता लगाएगी। पहले 3 आरोपियों से 6.25 लाख के आसपास पुलिस ने रकम बरामद कर ली थी और अब बिल्ला से 2.5 लाख की रकम बरामद करने के बाद लगभग पुलिस ने 8.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। लेकिन अभी लगभग 15 लाख रुपए की रकम बरामद नहीं हो पाई है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। 7 अप्रैल 2018 को एक्सिस बैंक एटीएम कैश वैन से 25 लाख रुपए की लूट की गई थी, जिसमें शेष बचे अभियुक्त दीपक उर्फ बुल्ला की गिरफ्तारी के लिए गंगनहर पुलिस और सीआईओ रुड़की की संयुक्त टीम गठित की गई थी। उक्त टीम को आज एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है और उक्त अभियुक्त दीपक उर्फ बिल्ला को उसके आवास लुधियाना स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से 2.5 लाख रुपए की रकम बरामद की गई है, जो उसने लूट के हिस्से के रूप में प्राप्त की थी।